ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो ओम का सुमन करे शुद्ध आत्मा हो। आर्य समाजियों का ये कहना है कि ओम नाम सबसे बड़ा है, इससे बड़ा न कोई। तो ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान ऋषि को ओम कहा आर्य समाजियों। ओम के अंदर सब कुछ जा के सुहा करो पवित्र हो जाओ, तो ये हवन की बात है। तो ओम नाम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा ना कोई। अब मैं आपको वो बहुत शैली बताता हूँ जो मन ने बताई है ना कि आप जो नींद गहरी नींद जाते हो, कहाँ जाते हो, उस चीज़ को व्याख्या कैसे कराया है तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके अंदर एक शब्द आता है, मैं पूरा याद नहीं है मेरे को जवानी, पर उसमें कहते हैं कहूँ उस देश की बत्तियाँ जानी हो दिन रतियाँ, वहाँ पवन नहीं पानी गए वो देश उन जानी। फिर कहते हैं वहाँ नहीं धूप छाया नहीं वहाँ उजियारा अंधियारा। अब ये चीज़ नहीं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ नहीं उजियारा अंधियारा और नहीं धरणी आकाशा, वहाँ नहीं धरणी आकाशा और संत करे कोई बासा। ऐसे अलंकार लगा लगा कि उस बात को कहे। फिर क्या कबीरा देश है न्यारा लखे कोई नाव का प्यारा। कहता नहीं योगी योग से पावन तब सीधे दर जावे, सहज में ध्यान से आए सुरत का खेल जैसे आए। अब उस बात को जो मैं कही है वो बात करी दिन माँ वहाँ जाते हो, उस बात को ऐसे कहा। अब कौन समझे और कौन नहीं समझे कि वहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या बताया भाई कई दिन में कुछ होता है रहता है। ये उदाहरण देता हूँ साथ का साथ, ऐसा साथ उदाहरण देगा नहीं कोई, क्यों नहीं देगा? मैं अलग बात करता हूँ, मैं जितना बात कही है पहले अभी महात्मा उनसे अलग करता हूँ। अभी सत्संग अब मेरी किताबों में सत्संग में फ़र्क है। किताबों में तो ज्ञान आहिस्ता आहिस्ते, तो बुद्धिमान है वो सोचे बात तो ठीक लिखता है, बात तो ठीक उनमें जप जाती है ताकि वो टिक जाती है। और जो साधारण आदमी जो है उसको मैं सीधी बात करता हूँ, जो नहीं समझ सकता इतना प्रबंध तो उसको ऐसे समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई बाहर से कुछ आता जाता नहीं है, ये बात बता रखिए पर्दे में सब बता रखिए, लेकिन इससे खोल के नहीं बताई कि बाहर कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं कैसे मानूँ देवी आगे भगवंत आगे अपना तो आप बनाते हो। कोई देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। मनुष्य ही देवता और मनुष्य ही राक्षस। जब सुख देता है सबको तो देवता है, दुख देता है राक्षस। तो मेरी जो शैली है ना वो शैली अब सीधी है, और यही पंडित फकीर चंद जी के उसके उर्दू के फारसी के शब्द हैं उसके, तो अक्सर एक्चुअल तो उसने कराया डिस्क्लोज, लेकिन उसमें क्या कि वो बोली जो भाषा जो है ना वह सब नहीं समझते। तो वो इश्क कहता है कि तुम ध्यान पर नहीं करोगा गुरु का तो इश्क नहीं आएगा। तो लोग लाला मंजू का इश्क समझते, मतलब प्रेम गुरु के प्रिय, गुरु से प्रेम करे ऐसे जैसा और चंदाई तन की लगन भोग इंद्री का छन में सब दूर हुआ। असस भक्ति करी जिंद गुरुमुख तेते नाम समाये, ना पाप सुर तब जागी तब घट शब्द सुनाए, शब्द पाए गुरु शब्द समानी शब्द बिना और नहीं से। ऐसे ऐसे कुछ वाणी है। तो बातें लोगों ने वाणी में करी कह, वाणी में शैली है उनकी, कहने का उनका ढंग है और समझा कोई हाथ। तो कलयुग के अंदर भी ऐसा आ गया कि हर काम जल्दी में हो जाता है। कलयुग में जहाँ नुकसान है बुद्धि आदमी नहीं टिकती, वहाँ फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी समझ जाता है। अब समझाने की विधि बदल गई। अब कहाँ तो अब जो ये आप सत्संग कराते उनकी बातें सुनो, फिर कहे दाता दयाल ये कहते दाता दयाल, फिर ये बात कई बार कह दी कि सुनो फकीर समय बदल जाएगा मेरी जो शैली को पसंद नहीं करेंगे लोग, समय बदल जाएगा मेरी शैली को पसंद नहीं करेंगे। तो शिक्षा को बदल देना, ये नहीं कहा कैसे बदल देना, ये कहीं कैसे नहीं बदल। उसने समझा कि कोई रूप नहीं जाता मेरा, यही बात है और ये शिक्षा बदलूँगा। पर फिर सोचा बदल, अगर बदल दिया जल्दी तो दातादार को कोई पैसा नहीं देगा। दातादार एक बिल्डिंग खड़ी करता है और गिरवा देता है और फिर वहीं पर चलाता है। तो मैं पूछा महाराज अब ये क्या करते हो, बिल्डिंग बनवाते हो और फिर खड़ी करे? बोला फकीर मेरे इलाके के लोग गरीब हैं, मेरे इलाके के लोग गरीब हैं। तो मैंने सोचा दाता जाल के मन में फ़र्क है, क्या मेरे का पैसे लगाऊँ इधर और मेरे इलाके आदमी को पालूँ। मेरे पक्ष काटे, समझे कि नहीं। तो बोले ये बात मैं बताऊँगा लोगों को, ये बताऊँगा दाता दार को कोई पैसा नहीं देगा तो मैं गुरु भगत नहीं होगा, मैं गद्दार भी होगा। तो कभी बताऊँगा जो दाता दार का शरीर नहीं रहेगा उस दिन से मैं इसका पर्दा उठाऊँ। बात तो पहले समझ आ गई थी उनको, सब बात समझ गए थे वो समझिए समझिए अपनी जो घटना घटी नहीं उससे समझे। उन्होंने नहीं बताया कभी मैं नहीं आता हूँ जुबान से। उन्होंने कहा फिर एक दिन बोला मैं गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, एक शब्द आता है ये तो रूप दया तुम सगुण जीव बार कराओ, जीव धाम रूप तुम्हारा आगम अगोचर सो ये मोह को दर्शाओ, देखो रूप मगन हो बैठो अभेदान दिलाओ, ये भी बद स्वयं तुमसे सूरत शब्द मार्ग में दिखाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा बाप में भी सूरत पठाओ, डरता रहूँ मौत और दुख से निर्भय कर मोहे छुटाओ। कब डर मौत से डरता रहता हूँ तो मुझे निर्भय कर दो और मोहे छुटाओ, ये वाणी का शब्द का। फिर वो आकर जवाब देते हैं राधास्वामी, कहते हैं ये तो रूप दिखा के छोड़ूं तो अचिंत रहो दर प्यारे, ये तो दिखा के छोड़ूंगा तेरे को तो अचिंत रहो, तो मेरे सारे लोग जो गुरु जी कहते हो गुरु जो डट जाओ। इन इसी इस तरह के शब्दों को आपस में कहते रहे और अब पंडित फकीर जी समझोगे पर देखो कितना कायदा रखा कि ये बात तुम बता दूँगा दाता दाल कोई पैसा नहीं देगा और मैं गद्दार हूँ, अरे ये पैसे के लिए अपना आदमियों करता है, इसका फल तो पा रहता। इतना बड़ा संत होते हुए वो प्लस की बीमारी थी, रोजाना खाने खाता तो वहाँ पाठ है तो इधर बांधते थे नीचे गुदा के बांधते लगती थी गुदा थोड़ी बड़ी नीचे और वो गुहार में खाने के लिए ताकि नरम हिस्से चल जाए, ये सर्कुलेशन जो पूरा स्लीप स्लीप भी हो जाए दर्द नहीं करे, तो ये खाते थे। तो सोचा कि इतना बड़ा संत हो करके ये दुख, ये इनका ये कर्म है कि ये अपने आदमियों के लिए दूसरे आदमियों का पैसा धूल में लगाता है, उनको अलग समझता है और अपने आदमियों को अलग समझता है। उनकी भलाई में ही लगाया जी, अपने लिए तो नहीं लगाया, नहीं लगाता सारे पक्षपात तो है। अरे उसके भगवान के कैसे पक्षपात, भगवान के कैसे पक्षपात, उनकी थॉट थी ना पंडित फकीर से जी कि भगवान को तो नहीं सब बराबर है, तो वो अपना अलग समझते वो अलग समझते, तो इसका कारण इनको दुख है। लोगों आँखों धूल धोख के और पैसे लगवा देते हैं, मकान गिरा देते हैं, फिर खड़े करते हैं ताकि मेरे इलाके के लोग मजदूरी लगे रहे और उनके पैसे की परवाह नहीं, तो उनके लिए तो बराबर होना चाहिए। और ये कहते हैं जैसे वो कोई राजनेता आते हैं वो अपनी बात चलाते हैं, तो अपनी एक तो बात चलाते हैं, अमीरों से नफरत तो करता है ना अमीरों से, तो देश में क्या रहेगा फिर वो। अरे उसके लिए बराबर के अमीर होनी चाहिए, खूब फैक्ट्रियाँ चलाओ, ये काम करो, आधा काम नौकर करते हैं और वो अमीर है वो एक फैक्ट्री चला रहा है, प्रोटीन दो ही खाता है, फैक्ट्री में कितनी कमाई होती है, कितने आदमी काम में लगे हुए हैं, ये पेंट नहीं सोचते कि फिर तेरा बाप देगा पैसे। ये जो मैनेजर वगैरह देते हैं जो हम देते हैं, कोई आदमी लगाओगे वो तो लिमिटेड देंगे भाई, जो बगैर पैसे का नौकर है, एक बड़ा शेठ अरबां खरबां पति है वो बिना पैसे का नौकर है, सेवा करता है बड़ी जनता की, आदमियों को काम में लगा रखे और उसके पास पैसे अगर गिनती हो तो वो काम नहीं कर सकता, उसका पैसे का अंदाज़ा नहीं है, अरबा खरबा रुपये मैनेजर है वो काम सौंप कर क्या रहे, कितनी फैक्ट्रियाँ दो दो चार चार पाँच पाँच से चलती, तो वो खाते नहीं पैसे, रोटी दो खाते हैं और ये समझ नहीं है उसकी, जो राजनेता बराबर नहीं समझता उनको, ईर्षा करता है सारे अमीर, जो गरीबी से उठा है वो नफरत करता है अमीरों से और अमीर के दर्शन, अमीर का दर्शन हा हा बोले आदमी का दर्शन हो गया, इतनी माया इसके पास, हर लोग एक रुपये तरसते, तो कुछ तो सदा लोग तो ये दर्शन करते थे, अब सब नफरत करते हैं, तो बढ़िया खा गया जी खुल के सब में अन्य को नहीं रोज सोई सो जाओ सड़ो जाते मन से दिया शेर जी, शेर जी आटा तोल दे इतना कहाँ से लाके चक्के पिसाब से चार तक का, ये सेवा नहीं जानते वो कि वो सेवा करे सबकी, बजाय वो चीज़ डालने जाऊँगा तो खटम जाऊँगा और वो खटम डाल करके जीरा धनिया वगैरह दुकान में रख रहे, तो ये विचार नहीं है कि सेवा ये कर रहा है, ज़बरदस्त सेवा जो सवा से मिल जाती थी, ये नहीं सोचते। अभी ये नीति है कि शेठ खा गया फूल की नीति गंदी है, तो उस आदमी को जो भी श्रीमंत करता है, सेवा करता है, उसे नफरत करते हैं, हर चीज़ नफरत करते हैं। जो गरीबी से उठ के गए तो ये गरीबों का ठीक उठाओ कि वोटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका उसको दोष लगता है। तो ये बात उसके समझ नहीं आती। तो शैली जो थी, बातादार तो कहता है, फ़कीर मेरी शिक्षा कोई पर्सन नहीं करेगा, इसको शिक्षा बदल देना, मेरे तर्जे बयान को पर्सन नहीं करेगा लोग, ठीक नहीं है, तो कोई शिक्षा को बदल देना। अब ये नहीं कहा कैसे बदलना। तो बाद में उसको ये समझाई कि मैं सच्ची बता दूं कि मैं नहीं जाता हूँ, कौन आता कोई नहीं आता, ये सब के सब झूठे, सब जिताते हैं, उसी का आस्था विश्वास का पड़ा। तो ये बदलूँगा, पर अब अगर ये बदलूँगा तो इसको पैसे नहीं देंगे यहाँ, और पैसे नहीं देगा तो मैं गद्दार हूँ, गुरु का भगत नहीं। इसलिए उसको आसान रखते हुए कि ये इसकी हाजिरी में तो नहीं बदलूँगा, ये तो चला जाएगा फिर बदलूँगा, जिससे वो चला गया उसके बाद प्रॉपर्टी बदल दी। ठीक है ना, मैंने इस काम परपंच का मौका नहीं मिला, मैंने इसे परपंच करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? तो सेना का मैं नौकर था और बहुत जल्दी अफसर बन गया छोटी उम्र में। साहिब 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 रहते तो बाहर नहीं करता, चार जो खड़े 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 चल सोच रहे सावधान सलूट जा जाता, बेचर अफसर था ना, उसको बड़ी कदर थी हमारी अंग्रेजों का जमाना। तो ऐसा था, मैंने मौका नहीं मिला। मैंने जो पंडित फकीर चंद जी जो पापड़ बेले, मैंने बेलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो खुद भी कहते थे, पहले दिन कहा था, बोले बोला भाई तुम बड़ा लक्की आदमी है जो तुम्हें यहाँ पर आ गया। इस स्थान के लिए हम तो बहुत कोशिश करी, लेकिन हम तो उलझे रहे दूसरे काम में। सीधी कहते हैं क्या से अच्छा से पकड़ नहीं है पहले, बस क्या चीज़ है जी, मेरे पास पैसे ज़मीन है, जाए ले तेरी ज़मीन हो जाएगी। हम तो सीधे देते रहे, वो छोड़ जी रहे, और तू लकी है जो कोई सीधी नहीं दिन तो सीधा आ गया। तो थे तो पूर्वजों के संस्कार, पर वो ये उनकी कृपा से पहले दिन मिल गया। तो मेरे को ये बात तो सोचने का मौका ही नहीं मिला, ऐसी बात आई नहीं दिमाग, समझा कि नहीं आप। तो अलग सब कहते हैं मेरे न्यू न्यू होती है इधर से, ये नकाल है सब। अरे न्यू न्यू क्या होती है, वाह होती है तो बता, होती है बात बता सके कोई कोई, अगर वास्तव में होती है तो बता नहीं सकता, और वो करते हैं नकाल। तो क्यों ऐसे आदमी का तो रंग बदल जाता है, ऐसे आदमी की भाषा बदल जाती है। जो शब्द तक पहुँचता है उसकी तो महिमा नहीं कर सकती कोई। कहते गुरु शब्द को कीजिए बहुत गुरु लबार, अपने अपने सवाल में छोड़ो उठवा। गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसरा नहीं सही, शब्द कमावे वो गुरु पूरा, उन चरण की बन जा दूरा। शब्द भेद तुम लेकर उनके, शब्द खवाओ तो तन मन से, बस वही बात है। पर वो शब्द है क्या, वो जिंदा गुरु बताएगा। शब्द बहुत से होते हैं, अरे एक को पकड़ी बैठे रहते हैं, तो वो जिंदा गुरु बताएगा ये तुम ध्यान से देख देगा, इसमें ये सीधी है, आगे चल गए घर तेरा आगे बहुत दूर है। तो वह एक बदी करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, रूप बनता है, वो तू बनाता है, तो उसको छोड़ वो छुटाता है, और फिर वो प्रकाश बनाता है, और प्रकाश को पकड़ लेता तो बस हद है इसका। तो उसको जिंदा गुरु छुटाएगा कि ये तो तू पैदा करता जिससे नहीं पैदा होगा, तेरा खाने पीने का चक्कर है, अच्छी तरह रहता है, ठीक चरित्र ठीक है तो प्रकट हो जाएगा, और चरित्र नहीं है तो नहीं होगा। तो इसको यह करे, तो फिर वो छुटाता है उसको, तो छुटाएगा तब वो यहाँ पर जाएगा आगे, तब वो अलग पर जाएगा, अलग से नहीं अलग। अगर बाहर का गुरु कुछ नहीं करे तो आगे जाएगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा। और बाहर का गुरु पहुँचा वहाँ तक पहुँचा देगा। आठवीं तक गुरु पहुँचा, ज़्यादा आठवीं तक खाना का पा सकता है, नहीं तो पाँचवीं तक बढ़ाएगा वो, आठवीं तक का मौका, आठवीं तक बता सकता है, आठवीं से आगे क्या बढ़ाएगा वो। तो जैसे मास्टर वैसे हैं वैसे ही गुरु, तो गुरु सब के सब पूज्य हैं, क्योंकि मास्टर पहली का भी पूज्य है मास्टर जी, और मास्टर जी PhD का भी मास्टर, समझा कि नहीं, सब एक लड़ के आदमी। अगर पहली तो नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या होगी, अगर मुझको ये बाकी वो पाखंडी गुरु, गलत बात है। अगर वो नहीं करिए, अगर बैठना बताते हैं, लाइन में बैठना, हाथ जोड़ना, चुप रहना, खड़े रहते चौकीदार चुप चुप चुप, ताकि उसको चुप रहने की आदत कहीं बोलने बनाने को नहीं। अभी मैं कहीं जैसा सत्संग देता है वो इसका वापस दाखड़ेगा, कल ताली पीटता है, अरे बेवकूफ़, इस सत्संग को ताली नहीं पीटी जाती। वो परी के जो गुरुओं के साथ आया तो वो सिखाएंगे उसको। मैं थोड़ी बात करूँ मेरी तरफ से और ताली पीटो सर, कह देता हूँ ताली के पीटना का काम नहीं है इसमें, सुन ले जैसे तो वो सही है नहीं तो नहीं है। तो परी का गुरु जो है बहुत ज़रूरी है, ये जितने जो काम करते सब के सब ज़रूरी है अपने आप के स्थान। तभी तो क्या साध हमारे सभी भले अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेक की पार की सब में सिर मोड़। शब्द का मतलब राम नाम, तो राम नाम का विवेक की कि वो क्या है, वो सब में सिर मोड़ है और पार की परख करता है कि सब क्या आता। तो सब के सब तो आज आपको शैली बता रहा हूँ भैया कि जो शैली जो बताई है, जो जैसे बताई दाता जाल ने, तो वो दाता जाल के जब अपने गद्दी पर तो बैठे वही दाता जाल के शब्द पढ़ते हैं और दाता जाल के शब्द आउट ऑफ डेट है। दाता जाल ने बता दिया शैली बदल देना, तुम मेरी शिक्षा पसंद नहीं करेंगे और वो शिक्षा आपको आती है। मानव 20 जगह लिखा रहा है, अब अंधे बने आबिद, वो 20 जगह लिखा है शरीर, अरे फ़कीर मेरी शैली को पसंद नहीं करेगा, इसको बदल देना, शिक्षा को बदल देना, शिक्षा को देना। अब हमारी गद्दी पर कोई बात बोलती है दाता जाल के शब्द पढ़ देते कि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी, सब पढ़िए खुश हैं दाता जाल का शब्द पढ़िया। तो आउट ऑफ डेट शब्द गाते हैं। अब आउट ऑफ डेट को मैं आउट ऑफ डेट नहीं बताता हूँ, तो उसके साथ लगी उनको कहता हूँ कम से कम ये ज्ञान तो तुमको होगा। दाता जाल कैसे आदमी थे, कैसे सब कहते थे, नहीं तो वो दाता जाल का क्या पता चलेगा, ये नहीं बताते तुम्हारे लिए ज्ञान दे रही है, भगाता नहीं उसे ताकि उसकी सरदार टूटना बनी रहे, शेर सब उसकी सरदार। अब समझेंगे नहीं तो अलग अलग शैली है ये, और ये चीज़ों का विवेक जो है ना कोई, वो तो कहते हैं कोटन कोई एक जो नारायण चित्त, गुरुदान देव का कोटन में कोई एक, करोड़ों में से कोई एक है जो नारायण चित्त रहता है, उसको ज़्यादा नहीं है। और ये बताते हैं वो कहते सिंह कोई नहीं पानती, लालू कोई नहीं बोरियाँ, संत ने चला जबानती। कह सिंह तो मानते हैं हंसों की नहीं पानती, हंसों की नहीं पानती, हाँ संग बोरिया जमानती। तो संत जमात में चलते वो संत वो थोड़ा है, संतिया जमात में चलेगा वो सब अवस्था में रहता है, वो जमात पढ़ाता ही नहीं। मेरे पास कितनी जमात, मेरे साथ कितने मेरे साथी चल रहे, अब चल रहे हैं खास काम करने के लिए, पैर फोड़ने के लिए आए, उसने भेजे। मैं एकला मैं कर सकता, मैं करे काम किताब लिख सकता था, दिमाग भी नहीं, ये बेटी मैं इंटरनेट लगा सकता था, अब तो इंटरनेट पहले से पूरा लगा रखा है। और मैं सोचा यार बीमार आदमी तो नहीं, वो तेरे वो नहीं लगा तो ख़त्म, तो ऑटोमेटिक इतना संभाल ली, ठीक है ना। और तू भी एक दो घर का आदमी कोई खास प्रेमी साथ रहे उसको ऑपरेट करने के लिए, इसके अंदर सब दौर चलाता है। दूसरा आदमी सगड़े तैयार रखो, आदमी का क्या पता वो आ गई तो इधर ही जाएगी ना, इसे तैयार कर दो दूसरे, इनमें तो सगड़े तैयार रखो। मैं हूँ मेरे बात नहीं, मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ, कमल को तेरे को और जीते हुए आदमी तैयार, तो हुए नहीं जीते हुए भाई। अगर तो कोई अड़का है, कोई पैसे की जरूरत है, कोई परिवार उड़ जाए, कोई कुछ उड़ जाए, तो जितने आदमी चुने उनमें से तेरे को चुने एक कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, इसको चुनिए, ऐसे काम कर दिया। इसे काम करे उसकी कदर करता हूँ मैं, जहाँ बैठी है उसकी नहीं करता, और फिर सोचता हूँ बस की बात नहीं है, संस्कार है पीछे माँ के, बाप के, परिवार के। ये विज्ञान तो ये कहता है कि जो तुम्हारे संस्कार हैं 50 पीढ़ी पीछे तक असर करते हैं। 50 पीढ़ी पहले तुम्हारा कोई दादा बाबा कोई ऐसे था जो डाकू था, डाका मारते थे, और आप बढ़िया IAS अफसर बनिए जो एग्ज़ाम करते हो देश का, तो आपके दिमाग में आता है जो डाका मार ले, ठीक है पैसे की जरूरत है, और फिर सोचता तुम थोड़ा का बार रोक रहा है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ आती है, वो संस्कार। तो सब विज्ञान कहता है 50 पीढ़ी तक वो संस्कार रहते, ऐसे तो संस्कार आते रहते। तो उसके पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि उसने बहुत कुछ ज्ञान दिया है ना, समझ जाता है। ख्याल आता है, फिर ख्याल दे तोड़ अपना आप तोड़ देता, कुर्सी देखता है ना अपनी जुमारी तोड़ देता, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसी समझ बात। तो ये जो आज मैं बता रहा हूँ शैली बता रहा हूँ कि मैंने जिस शैली से बताया है वो शैली अब कलयुग की है। कलयुग में इतना टाइम नहीं ज़्यादा, सीधी बता दो। अब ये बात बताने के लिए कोई बताता है बात कहीं टिक तो लगा रखी है, व्याख्या नहीं करी, टिक तो लगा रखी, कहीं मात्र भी लगा रखी है, यहाँ था ये टिक लगाई मात्र चर्चा नहीं करी, तो क्या पता चलेगा टिक क्या है। टिक का गुण बताता है कि इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, तब समझता। तो इसका मतलब या तो उसका अनुभव नहीं या बताना चाहते थे, और वो बात अभी साफ तो वह खुआई किसने हमें तो नहीं कही, अब कमला ने कही ये बात। तो एक बार ये बता दो सारी पॉइंट सारी बता दो योग, इसे हर सत्संग बताई जा रही है, छोटे से सत्संग देख रही है और ये पॉइंट से बता देता संस्कार इसके करने होता वो सोचता है सत्वचन ज्ञान बहुत ठेस देती। और कई जगह कहती मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती, आप बिल्कुल से ठीक नहीं बात करती, मैं सोचता हूँ इसकी संस्कार चिड़ती है, चिड़ती है मेरे लिए क्या चीज़ बराबर है, ये वो बात ही को नहीं, क्या असर होगा, सोचता रहे, जो सोचेगा वो मेरे पर असर नहीं, उसकी सोच नहीं, तो उसकी सोच आ गई मैं बता नहीं, उसकी सोच से ख्याल आएगा एक बार ये सकनी पर मैं समझ जाऊँगा। तो मैं आज आपको शैली बता रहा हूँ कि सत्संग की बात ये शैली है कि सत्संग में बैठ करके ध्यानपूर्वक श्रद्धा से हाथ जोड़ के, अरे वो जो बोलने वाला है उसके चेहरे को देखते रहो और वो क्या बोलता है वो सुनते रहो, अरे किधर ढोल बाजा उसकी तरफ ध्यान मत करो। तो ऐसा ध्यान करने से आपका ध्यान मिल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ऐसा सत्संग। और वो किसके मूर्ति नहीं जिंदे से, और उसके लिए अमृत हो, उसके लिए जो बोलता है वो ये समझता है कि ये वो है, तो उसके लिए उसका गुण मिल जाएगा, समझेगा खेल है और वो नहीं समझता तो है। इसलिए बताया कि गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूट, बिना इसके छूटेगा नहीं। और वो गुरु का ध्यान फिर छोड़ देते हैं, जैसे मैं बता दिया होगी बात समझ गई, तो मैं तो PhD का आदमी हूँ और मेरे मुझसे शुरू से वही निकलती रहती है, ये किताबों में देख लो शायद तो दूसरी तीसरी किताबों के अंदर पड़ेगा, मुक्त जीवित मुक्ति की बातें लिखी है, ऐसे लिखी कि मेरी अवस्था थी वो, अब मेरे बारे में देखेगा समझा नहीं। और वो जो शब्द पढ़े 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 से तो कमल ने देखा कि बार बार यही चीज़ देखती, इसको बार बार अच्छी नहीं लगती, इसको एक बार बता दो ठीक है संस्कार दे, बार बार क्या चर्चा है, तो हर जगह वही बात सब देखते। तो जामन वो सब लिखे जरूरत थी तो वहाँ पर इसने काट दी, मरे क्या करा, बोले तो रोज़ वही वो शब्द और भी तो कोई वहाँ पर ये समझ नहीं सकती थी, कहता था समझेगी बात। अब यही रचना भेज दी बताऊँ, अब भी ताज़ा बात याद, अगर उसमें रचना भेजगा नीचे अर्थ लिख दिया मोटा, अर्थात फिर तक दिया इसने पढ़िया पढ़ के रचना भेज दो, फिर बोले अब ये क्या लिखा मेरे समझ को आई को नहीं, तो वो कह तेरे समझ को नहीं आई तो तुझे उसको उगाड़ जो चाहेगा इच्छुक होगा, मैं जबान से बता दूँगा, मेरे लिए कोई देर नहीं लगेगी, मेरे लिए देर से नहीं लगेगी कि भाई यहाँ से चलता है ये छोटी से नीचे, फिर अगमपुर से, फिर अनकपुर से, फिर सतलोक सतपुर से सतलोक का राशि होता, फिर नीचे आ जाता, नीचे आते आते त्रिकुटी पर आ जाता, त्रिकुटी से आकर के फिर नीचे अस्त्राकार पर आ जाता और आगे जोड़ी नाल निकल देता और चार खान में पैदा होता है, सतूल होता है, ये सूक्ष्म से सतूल तक गया है। अल्लाह का ये बताया कि यहाँ दुख पाता सुख पाता होता रहता और ज्ञान होता, तो उल्टे जाने के सफ़र भी बात उल्टी कर दी कि भाई मिट्टी से परिश्रम पैदा होता है तो मिट्टी का मिट्टी मिल जाएगा, पावन से होता पावन मिल जाएगी, पानी पानी मिल जाएगा, तेज तेज मिल जाएगा, और भोगनी अफसोस लेगी मतलब सब कुछ ऐसे पानी खत्म हो जाएगा, आकाश मिल जाएगा, आकाश 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 माया मिल जाएगा और माया था कि ब्रह्म मिल जाएगी बात। फिर वापस चलते थे माया में नहीं आता समझ और बस समझ है, फिर वो ब्रह्म मिल गई, ऐसा जिधर चला नहीं उसी से तो वापस आएगा, इधर से आया और वापस वापस छोटा शॉर्ट कर दिया। तो ये सुनता है तो मेरे तो बात रोज़ के है अनुभव है, मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं, शैली मेरी है, मेरे शब्दों में बता देता हूँ। ठीक है ना बात? तो इनको कोई बात अच्छी नहीं थी तो ठीक है, बिल्कुल मैं सोचता हूँ ठीक है, इनको नहीं लगती कि तेरे लिए क्या बात, तेरे लिए कोई असर नहीं बात, समझे ही नहीं बात, ऐसा है। तो आज का सत्संग क्या है, कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग में बता, कलयुग कर्म धर्म नहीं भाई, नाव बिना निस्तार नहीं हुई। कली केवल एक नाव आधारा, कली में केवल एक नाव का आधार है। ये वो सब बातें जितने कर्मकांड थे ना सारे खत्म करी केवल नाव पर दिया है। और नाव नाव का नाव रहे चौथे पद में ये ढूंढे तिल के मैं नाव का अधिकारी कौन, थोड़ा दूसरा पानी के अंदर खड़ा सब वो सब बता देता हूँ। राधा स्वामी बणी का शब्द है समझ बताए नाव के अधिकारी कौन, विषय निषेध हो दास था, विषय 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 वास्तव में है वो क्या है, वो नहीं दे सकते। परमार्थ की दाम नाश था, जिसको चाहिए नहीं वो क्या करेगा, जिसको आशा हो परमार्थ धन संतान प्रीत निभा के तो धन से लिपटा हुआ धन की तरफ क्या रखता है वो क्या करेगा, तो विराग हो जाओ उसके ऊपर रहेगा, धन को कुछ नहीं समझा। तो मैंने जो आज आपको शैली बताई है, मैंने बताया कि ये शैली है कलयुग के अंदर नई शैली है। और कलयुग के मुताबिक सच समझो, पुरानी बात है उसने ये कहा उसने ये कहा वो नहीं, आप अपनी बीती बताओ, आपके साथ क्या बीती आप क्या समझे वो बताओ, समझेगा नहीं तो उससे क्या होगा, आपका कपाट खुल जाएगा और अपना आप आपको बात आने लग जाए, अपना आप बताने लग जाए। स्टेज लगा के अपनी चाहे फिर 10 आदमी चाहे 2 आदमी को समझाओ, फिर 4 को समझाओ, फिर 8-10 को समझाओ और परिवार का काम करना शुरू कर दो, समझेगा नहीं। अपने सिर पर वजन नहीं रहना, मैं गुरु महाराज जाने गुरु वेत्र जानता है। तो कमला को पूछे मुझे बात करें उसमें यह मैं तो नहीं कि कमला की गुड्डी चला दें, आपका ईगो नहीं रहेगा। अगर आप सब खुद ही करते हैं तो उसे अब मेरा ईगो 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 बन जाएगा, गरीब मैं कहूँगा तो मैं तो ज्ञान तो कमला ने दिवाया, ये किताब तो इसने दिखाई, और बात सही है बात। और वही इंटरनेट तो मन तो पता नहीं किसे भाई चलाया है, और बात सच्ची बात करता हूँ मुझे पता नहीं, डॉक्टर चावड़े को मैं जानता ही नहीं, कोई बात थी मुझे पता ही नहीं कि सुना होगा मेरा शब्द शब्द ये वाणी सुनी होगी। तो पंडित फकीर चंद जी के जहाँ पर इंटरनेट थी उसमें मेरे को जोड़ दिया, मेरे को जोड़ दिया उससे मानव जी की इंटरनेट से कैप्टन हजूर कैप्टन लाल था या मनुष्य बनो कैप्टन लाल था। तो मनुष्य बनो केवल फकीर जी ने फकीर का है वो कोड मनुष्य बनो, तो मेरे नाम से फकीर का भी खुल जाता है, सब खुल जाते। ये उसने सावरण जोड़ दिया, मेरे को पता नहीं। तो आप पे आप खरे खराब आप ही आप मानस के नहीं कुछ, तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। टीम आती है हर एक आदमी की, यहाँ परमात्मा आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है और उसकी टीम काम कर देती है, वो तो व्यवस्था ख़राब हो रही है ना उस व्यवस्था को ठीक कर देता है। तो ये नई शैली जो है बता रहा हूँ आपको कि कलयुग की शैली में बहुत अच्छा, कलयुग बहुत अच्छा क्या है कि जो काम हज़ारों वर्ष नहीं होता था वो थोड़ी देर में हो जाता है। अब टेक्नोलॉजी देख लो, इसे पहले थी है कभी हमारी है छोटी, तो किसी मनुष्य में सकती है वो सोचता वो टेक्नोलॉजी बना दी, उसको हवाई जहाज बना दिया, उड़ान वाला तैयार बना दिया। और उड़ान लड़का बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, 1 मिनट भी अगर वो ये ध्यान लगा तो नहीं सही जाए, तो उसकी बिल्कुल ये होनी चाहिए। उसको सिखाया जाता है, उड़ाया जाता है, उड़ाने के बाद एक टेस्ट होता है, लास्ट में एक टेस्ट होता है कि इसके अंदर कलाबाजी होती है ऊपर नीचे, इधर करिए हवाई जहाज का बल्ली को 2-3 पट्टे खा के निकलना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कमजोरी रह जाती है ना, उसकी कोई उसके उड़ान में टेस्ट लेते हैं तो उसको फिर कहते नहीं ये तो कभी हो जैसे क्रैश कर देगा, तो उसको नेविगेटर बना देते हैं, उसको फ्लाइंग अफसर नहीं बनाते, क्योंकि जल्दी फ्लाइंग अफसर तो ध्यान ही बहुत अब 30 अप 3 लेफ्ट, तो वो ये बोलता रहता है और वो चेंज करता है, तो उसको नेविगेटर बनाते हैं। फिर दिमाग तो तेज़ होता ही उसका, पर वो फ्लाइंग अफसर के काबिल नहीं। तो ये अलग अलग तरीके टेक्निक है, अलग अलग कामों के अलग है। तो ज्ञान सब बहुत सुंदर है, लेकिन रब ने पूजे तुद, तो ये ज्ञान है ना अपना आपका, ये अलग मामला है। इसके बारे में सब खुले जितने टेक्नोलॉजी के जितने फ्लाइंग ऑफिसर हैं, जितने शाने आदमी हैं, जितने बड़े आदमी हैं, राष्ट्रपति है, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटर, सब इस ज्ञान से खोड़े। ये ज्ञान क्या है? अब बोलने वाला क्या है उसके अंदर? और मैं जाऊँ दुनिया में, बात बहुत लंबी चौड़ी है, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो जो बोल रहे अंदर क्या है। राष्ट्रपति जी को पूछ ले, जयराम जी के, किसी वकील को पूछ ले, किसी जज को पूछ ले, तो उसके लिए वो कानून नहीं। इसे धर्म बताते हैं, धर्म बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है। कोई धर्मात्मा हो तो धर्म ये चीज़ बताता है कि सबको मालूम, उसको मालूम हो, सबको शिक्षा देने वाला शिक्षक हो, सुदामा का जाने शिक्षक हूँ सगरेजों को, तो ये ताको कहाँ देती है शिक्षा? इसलिए जाते मेरे को क्या शिक्षा देती हो? और जो तब करते लोग चला रहे संपत्ति की तीर को नहीं चाह, बोले मेरे ही हरि के पद पर बाहर जा रहे, देख पीछे मेरे ही वैसे उसका प्रकाश होता है। मेरी परीक्षा लेते हैं और औरन को धनसाई बावरी बमन को धन केवल भिक्षा, तो करिए ये लाना ये लाना ये लाना, और बमन को केवल भिक्षा से ही उसी हो जाता है। आज वो सुदामा चले वहाँ से, कृष्ण का घर पूछते 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 तो सुदामा आ रहा है, कोई गीत गाते उसे, सुदामा आ रहा है तेरा, और जाता महल के अंदर जाके बोला भाई अरे सुदामा का घर यही है कि नहीं, कृष्ण का घर द्वार पर, बोला भी यही, तो बैठ जाओ। जाते साहब बोले महाराज एक बताता है, धोती सैन बताता है, धोती फटी से लटी दुपट्टी फटली जूती है, पाँव उबाने को पी नहीं है सामान, जूती नहीं पड़ने के लिए, धोती तो फटड़ी सी है और बाकी लटी दुपटी टुकड़ा हो रहा है इसका, और पाँव उबाने को नहीं है सामान, जूती उबाने पर है, जूती भी नहीं है। और द्वार खड़ा दीवज एक दुर्बल का, एक बहुत कमज़ोर सा ब्राह्मण द्वार खड़ा है कि दीवज ब्राह्मण कहते हैं दुर्बल। पूछ दीन दयाल का धाम बताओ तो अपना नाम सुदामा, कि दीन दयाल का धाम पूछ रहा है, आपका नाम बताता है, और रोटी खाली छोड़ी उधर से और दौड़ा। अदा करेगी फिर क्या करे आप? रात ले जाते ब्राह्मण का पैर धोते थे, ध्यान से सुनो जी भाई, लाथाली वो क्या था ब्राह्मण को पैर धोने की बात थी, तो जा करके उसने पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैन इसके जल से पग धोयो, रोतों को जो टपक टप आंसू आता है भगवान गिर रहे, और उसके ननु के आंसू से पकड़ लिया, पानी प्रात को हाथ छुए ने नन्हे के जल से पकड़ धोयो। हाय महा दुख पाए सखा, इतने नहीं के ठहरे तुम, अरे तो दुख पाए ठहरे तुम, ये हाल तो बताते हैं भाई, रह के बताते, भाई रह के बताते गुण बताते हैं कि वो क्या कर, मित्र के दुख भैरू समाना, मित्र का दुख खिड़ी के समान पहाड़ के समान समझता है, और अपना दुख जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ के समान, उसको रेत के समान समझता है। जो न मित्र दुख हुई दुखारी, इतनी बिलोकत पातक भाई, निज दुख गिरी समझाना, और मित्र का दुख भेजू सामान। अब सुने न, ये मित्रता है, तो ये भगवान कृष्ण का नाम ना इसे कृष्ण में कहा, तो ये शैली थी उस वक्त, कोई बात को लंबी चौड़ी समझाने की शैली थी। तो ये देखो शैली थी उसका प्रेम दिखाने के लिए, कि पानी परात से हाथ छुयो नहीं नैन के पक्ष, इतना प्रेम था। अब इतना प्रेम है किसी के, कोई मर जाता तो इतना कुंड हो गया, और वो गया पूरा फिर आंसू से खुद हो गया। तो ये गजब की चीज़ बताता है शैली। तो अभी इतना लंबा चलो कोर्स करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में तो आज शैली समझिए ना। तो मैं जो शैली बता रहा हूँ वो बहुत छोटी सी है, सीधी शैली है, और वो शैली मैंने आपको बता दिया वो क्या चीज़ है। उसके लिए कहते हैं कहूँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं हो दिन रतियाँ, हो अपनी पवन वो पानी गए वो देश बन जानी, नहीं उजियारा अंधियारा वहाँ गढ़ काल की रहें, नहीं तो उजियारा नहीं अंधियारा। इस बात को लंबी चौड़ी बात करके बताइए, और मत आपको इतना बता दी कि गरीब में कहाँ जाते हो, होश रहता है कुछ तो वो हालत हो जाएगी आप, समझे ना बात। ये जो आज का शब्द बताया हमने, वो मुकाबला इसलिए बताया कि ये उस शैली का नाम है। वो कहता नहीं उजियारा है, नहीं उजियारा है, नहीं वहाँ दुख है, नहीं वहाँ सुख है, नहीं वहाँ अवस्था कुछ नहीं है, और वो कहता है कबीरा देश भय न्यारा लखे कोई ना होगा प्यारा। न योगी योग से पावे न तपसी दे जर जाए। सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल से। सहज में सूरत को इकट्ठा करना होता है और शब्द को सुन लेती है वो उसे मिल जाता है। तो ये तो वो शैली थी बताने की। अरे किया शैली कि मेरे को इतने शब्द आते नहीं तो इसलिए मैंने वो सीधे शब्द में आपको बता दी। अब मेरे पर इनकार कर ही देखे कोई, जो मैं प्रूफ देता हूँ उसका इनकार कर ही देखे कोई भी, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक कोई देखे तो क्या झूठ है वो कुछ नहीं बिल्कुल। नींद निशानी मौत की उठ पीरा जाल अगर तजा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद कब पाए हो पूर्ण परमानंद। जैसे मन से जग डर था मैं छोड़ता हूँ मेरा पिंजरा छोड़ के मैं जाऊँ ताकि हमेशा उसमें मिल जाऊँ। मेरा मन आनंद है ताकि पिंजरा छोड़ूँ मिल जाऊँ। तो ये उस वक्त की शैली थी और ये वो है क्या तो उसको है को बताने के लिए लोगों ने सीधा नहीं बताया। समय समय की शैली आ रही है, उनको पूरा ज्ञान नहीं था। और कलयुग के जो आदमियों को पूरा ज्ञान है तो वो अपनी शैली बताएंगे। तो मैंने आपको शैली बताई है मेरी कि मैंने ये अभी समय में ये है सीधी बात बताने। और ये सीधी बात बताता वो तो ठीक है, नहीं पुराने तो खीर पीटता है। ये बात कुछ पुरानी बात का शब्द गाता है तो पुरानी लकीर पीटता है। अब की बता तो प्रूफ दे तो साथ जो बात करता है उसका प्रूफ दे। तुम भाषण करता प्रूफ देता हूँ कि भाई कुछ नहीं, कोई दिया ना कोई देवता ना कोई देना ना कोई देना ना। तुम है देवताओं को तुम पैदा करती है, आस्था कर लेती है। बालाजी को तुम पैदा कर दिया, शिव जी को तुम पैदा कर दिया, शिव जी बताया कि शिव जी है, पार्वती को तुम पैदा कर दिया। अतः जैसे समझा वैसे प्रकट कर दिया, वो शक्ल बना दी और वो शक्ल को तेरे दिए बात ठीक है सबके लिए भाई सब जगह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। यूनिवर्सल ट्रूथ तुम्हारे में शक्ति हुआ, तुम हो सबको पैदा करने वाले। अलमारी भरा के उसको पैदा करने वाले तुम हो और कुछ नहीं, तुम्हारी आस्था ने प्रकट कर दिया। ये बात सीधी है नहीं, ये बात कि जो कुछ भी है वो कुछ भी बाहर कुछ है ही कोई नहीं। आप पैदा करते हो, आप सबको जननी है। देवता आप बनाते हो, भूत आप बना लेते हो, राक्षस आप बना लेते हो, शिव जी आप बना लेते हो और गुरु जी को भी हाजिर कर देते हो। आस्था है तो हाजिर एक भी नहीं है तो कौन है आप, सब कुछ सकते आप।